इस बार हम फीमेल रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स के बारे में कुछ बेसिक बात करते हैं। बहुत ही संक्षेप में बात करें तो हाइपोथैलेमस सीक्रेट करता है हार्मोन GnRH जो कि FSH और LH के प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी ये तीन हार्मोन सीक्रेट करती है FSH, LH और प्रोलैक्टिन। FSH ओवरियन फोलिकल की ग्रोथ में हेल्प करता है, LH ओवुलेशन का हेल्प करता है और प्रोलैक्टिन मिल्क सिंथेसिस में हेल्प करता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ये बनाती है हार्मोन ऑक्सीटोसिन जो कि मिल्क लेट डाउन और पार्चुरेशन में हेल्प करता है। ओवरी में पाई जाने वाली ओवरियन फोलिकल बनाती है हार्मोन एस्ट्रोजन जिसको कि हार्मोन ऑफ हीट बोलते हैं और वही कार्पस ल्यूटियम बनाती है हार्मोन प्रोजेस्टेरोन जिसको कि हार्मोन ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है। ट्रस के अंदर की लेयर या एंडोमेट्रियम सिक्रेट करती है हार्मोन PGF2 अल्फा, ये एक लोकल हार्मोन है, यह है कार्पस ल्यूटियम में CL को रिग्रेस करता है। डिफरेंट हार्मोन इन सेक्सुअल साइकिल ऑफ फीमेल एनिमल्स ये हमने डिस्कस किया था। हाइपोथैलेमस रिलीज करता है हार्मोन GnRH जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन FSH के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। यह FSH ओवरी के अंदर ग्राफियन फोलिकल को मैच्योर करता है। ग्राफियन या ओवरियन फोलिकल्स रिलीज करती है हार्मोन एस्ट्रोजन जो कि हार्मोन ऑफ हीट भी कहलाता है, मतलब इसके प्रभाव से जानवर हीट में आता है या उसकी मेटिंग की डिजायर होती है। जैसे जैसे ग्राफियन फोलिकल का साइज बढ़ता है यानी एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ती है, यह है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को ट्रिगर करता है जिससे कि हार्मोन LH हार्मोन LH जिम्मेदार होता है ओवुलेशन के लिए। यदि हम बात करें ओवुलेशन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है तो मेनली LH है, हालांकि ये काम FSH के साथ करता है लेकिन जिम्मेदार हार्मोन वो LH ही होता है। ग्राफियन फोलिकल चूंकि उसका ओवुलेशन हो चुका है, मतलब ग्राफियन फोलिकल के अंदर से अंडा निकल चुका है, तो यह ग्राफियन फोलिकल कन्वर्ट हो जाती है CL या कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर। यह कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट करता है हार्मोन प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन जैसा कि हम जानते हैं दिस इज द हार्मोन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी नहीं रहती है तो यूट्रस की अंदर की लेयर जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं यह सिक्रेट करता है हार्मोन PGF2α जो कि CL को रिग्रेस करता है, और जैसे CL रिग्रेस होती है प्रोजेस्टेरोन लेवल अचानक कम हो जाता है जिससे कि जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन FSH के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है जिससे कि एक बार फिर एक नई सेक्सुअल साइकिल शुरू हो जाती है। थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग नीट सेफ्टी मिल कॉन्सिमेक्साइन फाइबर मोस्ट ट्रस्टेबल सॉल्यूशन इन कैटेगरी। थैंक यू वेरी मच अगेन एंड प्लीज बी सेफ एंड बी वैक्सीनेटेड। Thank you very much.